चलिए ध्यान से देखिए, कक्षा 12 में आज हम लोग जो है वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। वाष्प दाब में जैसे वाष्पीकरण के नाम आप सुने होंगे, वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे गैस के अणु जो होते हैं अनियमित गति करते रहते हैं, उसी तरह से द्रव के भी अणु जो है अनियमित गति करते रहते हैं। तो द्रव के अणुओं में से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो है द्रव की सतह के ऊपर आ जाते हैं और वे जो है अब गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो उस समय वे द्रव के ऊपर एक दाब डालते हैं, तो जो भी दाब डालते हैं वह जो है दाब ही उसका वाष्प दाब कहलाता यानी कि द्रव के अणु जो होते हैं अनियमित गति करते रहते हैं और अनियमित गति के परिणाम स्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जब उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो वे द्रव की सतह के ऊपर गैसीय अवस्था में आते हैं। तो जब गैसीय अवस्था में आएंगे तो उस समय द्रव के ऊपर एक दाब डालते हैं, तो उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ध्यान से देखिए, वाष्प दाब की हम परिभाषा यहाँ लिखे भी हैं। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब जो होता है वाष्प दाब कहलाता है। अब थोड़ा सा हम उसके बाद आगे चलते हैं। वाष्प दाब के बाद हमारा जो है वाष्प दाब का अवनमन आता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा तो ध्यान से देखेंगे, एक विलायक होता है और एक होता है विलयन। तो जब हम विलेय को विलायक में डाल देते तो विलयन का निर्माण होता है। तो अगर हम अवाष्पशील विलयों के बारे में बात करें, यानी कि जिनको हम विलयन में डाल दें यानी विलायक में डाल दें और विलयन बन जाए और उसके बाद हम जो है उस पदार्थ को अगर यानी विलयन को यदि गर्म करें और विलेय जो हम पदार्थ डाले उसका वाष्पीकरण न हो, तब जो है हम उस पर वाष्प दाब के बारे में यदि अध्ययन करें तो अवाष्पशील विलयों के बारे में है, ये हम वाष्प दाब पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अवाष्पशील विलेय अगर हो तो उसको हम डालेंगे तो विलयन बनेगा। तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वह अधिक होगा, विलायक का जो वाष्प दाब होगा वह अधिक होगा और विलेय का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जो हमने विलेय पदार्थ डाला है वह उसमें अवरोध उत्पन्न करता है यानी उसके वाष्प दाब को कम करने का कार्य करेगा। तो हम ये देखें वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है, विलायक के वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है वह जो है वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? वाष्प दाब का अवनमन बराबर पीओ माइनस का पीएस, क्योंकि पीओ जो आप लिखे हैं वह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पीएस जो है विलयन का वाष्प दाब है। तो विलायक और विलयन के वाष्प दाबों का जो अंतर होता है वह वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, वाष्प दाब यानी कि आप यहां पर देखिए वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है, यहां पर हमने परिभाषा भी लिखा है कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अर्थात पीओ माइनस पीएस अपॉन क्या? पीओ। ये क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। यहां पर जो पी और ऊपर ओ लिखा है यह जो है विलायक का वाष्प दाब है और जो पीएस लिखा है वह जो है विलयन का वाष्प दाब है। अब उसके आगे एक हेडिंग है राउल्ट का नियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए।
तो राउल्ट का नियम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट का नियम जो होता है अस्पुशील विलेय के तनु विलयनों पर लागू होता है। पहली बात तो अगर हम जो है किसी तनु विलयन के जो वास्तुदाब का अपेक्षिक अनुमान, ये वास्तुदाब का अपेक्षिक अनुमान और उसमें जो विलेय पदार्थ है उसके मोल प्रभाव की क्या होता है बराबर होता है, यानी किसी तनु विलयन का अपेक्षिक वास्तुदाब अवनमन जो होता है उस विलयन में विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज की क्या होता है बराबर होता है। अर्थात अगर हम मान लें कि शुद्ध विलायक का वास्तुदाब पीओ तथा विलयन का वास्तुदाब पीएस है तो वास्तुदाब का अपेक्षिक अवनमन पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ हो जाएगा। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है तो विलेय का मोल प्रभाव जो होता है एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। अब राउल्ट के नियम को अगर देखा जाए तो यह बताया गया है कि वास्तुदाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज की क्या होता है बराबर होता है, ये तो आप जान गए, ये तो राउल्ट के नियम का यहाँ पर निगमन हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यन मोलों की संख्या है, आपको आगे पढ़े होंगे मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अनुभार, पदार्थ का भार बटे क्या होता है अनुभार, तो इनका जो अनुपात होगा वह मोलों की संख्या के बराबर होगा। तो यहां पर हम देखें तो ये स्मॉल एम, स्मॉल एन बराबर ये स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम हो गया है, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम एम हो गया है। इन मानों को हम जो इसी समीकरण में रख देते हैं यहां पर तो ये आपको निकल के आता है। यदि हम मान लें कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन है, यानी विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बहुत ही कम है क्योंकि ये तनु विलयन है, तनु विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए तब तो तनु विलयन है, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो गई तो सांद्र विलयन होगा और सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो अगर हम यह मान लें कि स्मॉल एन और प्लस कैपिटल एन बराबर क्या होता है, अगर कैपिटल एन है तो पीयू माइनस पीएस अपॉन पीओ इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, तो ये आपका कैपिटल एम ऊपर जाएगा कैपिटल एन स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका राउल्ट के नियम के द्वारा किसी अवास्तुशील पदार्थ के अनुभार की गणना इससे की जा सकती है। अब राउल्ट के नियम की सीमा है, जैसे राउल्ट का नियम कहाँ लागू होगा और किन विलयनों पर लागू होगा, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर जो है लागू होता है सांद्र विलयनों पर नहीं, और यदि विलेय पदार्थ अवास्तुशील है तब तो लागू होगा, अगर वियोजित होता है तो लागू नहीं होगा। ध्यान से देखें राउल्ट का नियम केवल अवास्तुशील विलेय पदार्थ के विलयनों पर प्रयुक्त होता है, यदि विलेय वास्तुशील है तो वह विलयन का वास्तुदाब बढ़ा देगा और वास्तुदाब के अवनमन में विचलन उत्पन्न हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप वह जो है अब राउल्ट का नियम वहां पर लागू नहीं होगा। दूसरा, राउल्ट का नियम ऐसे विलेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, अगर वे विलेय में वियोजित होंगे तब भी नहीं लागू होगा, अगर वे जुड़ करके नए पदार्थ बनाएंगे तब भी वह लागू नहीं होगा, यानी राउल्ट का नियम उस पर लागू नहीं होगा। अब देखेंगे इस पर जो आधारित कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप जो अपनी किताब से लगाएं, बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप हल करके हमको बताएं कि आपको ये प्रश्न आ गए कि नहीं। धन्यवाद।